अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राइफल बनाने की रेसिपी बताएंगे। कस्टर्ड ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल। उसके लिए सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। जेली के लिए हम 2 कप पानी ले लेंगे। अब हम पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये पानी जो है इसमें बबल आ गए हैं, बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ये रिफाइन बनाना जेली हम इसमें ये पैकेट डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक बस पकाएंगे और फिर आगे इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। फिर ये देखें, अब हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, हमने अभी इसको बाउल में डाले और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसी पैन में दोबारा 2 कप पानी डालेंगे और हम फिर इसे दोबारा उबलने के लिए रखेंगे, क्योंकि अब हमने दूसरी जेली बनानी है। पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें ये रिफाइन स्ट्रॉबेरी जेली डालेंगे। एक पैकेट हम इसमें ये डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। ये लें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। लें जी, पहले हमने ग्रीन जेली बनाई थी और अब हमने रेड जेली बनाई है। अब हम इन दोनों जेली का ठंडा होने का वेट करते हैं। अब हमने दोबारा जो है कि एक डेगची में 1 किलो दूध इसमें उबाल लेंगे, ठीक है। अब हम कस्टर्ड बनाने लगे हैं, उसके लिए हम 1 किलो दूध लेंगे और उसको उबाल लेंगे। चलें जी, जब तक ये दूध उबलता है, साथ ही साथ हम दूध में कस्टर्ड को मिक्स कर देते हैं। एक बाउल में हमने ये ठंडा दूध निकाल लिया है। 1 लीटर हमारे पास दूध है, तो उसके लिए हम 4 खाने के चम्मच हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। 1 चम्मच और 2 चम्मच दूध डाल देंगे, ठीक है। ठंडा दूध आपने डालना है, आपने इसमें गरम दूध नहीं डालना है। अगर आप गरम दूध डालेंगे तो ये उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कोई भी इसमें गुठली ना बाकी रहे। ये देखें जी, इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर था, रिफाइन बनाना कस्टर्ड, ये हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दिया है दूध के अंदर, ठीक है। ये देखें, दूध भी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें 5 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ठीक है। लकड़ी का चम्मच हम इसमें लाते रहेंगे ताकि इसमें चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें जी, अब हम चीनी भी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो कस्टर्ड का पाउडर इस ठंडे दूध में मिक्स किया था, ये अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और साथ साथ हम चम्मच में लाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और चूल्हा जो है हमने दरमियाना रखना है, ठीक है। तेज़ चूल्हा नहीं रखना, हल्का आंच पे हमने इसको थोड़ी देर पकाना है और चम्मच हमने लाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। और हमने इसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, ठीक है। लकड़ी का चम्मच हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे जो है कि कस्टर्ड हमारा गाढ़ा बनता है। जी व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, 5 मिनट हमें हो गए हैं कस्टर्ड को पकाते हुए, ये गाढ़ा हो चुका है, ये देखें, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे
और इसे उतार लेंगे चूल्हे से। ये ले जी, हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी है और अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया, अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तीनों, ये दोनों जेलियाँ और ये कस्टर्ड, ये ठंडे हो चुके हैं। बाउल में इनकी लेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। अब इसको अब हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है, इसी तरह हम दूसरी जेली को भी कट कर लेंगे। ठीक है, साइडों से इसको रिमूव कर लेंगे, अब हम इसको भी क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। दोनों जेलियों को हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर ली। हमने एक बाउल ले लिया, उसमें हम सबसे पहले एक नीचे कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। इस तरह हमने इस एक नीचे सबसे पहले एक कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। हमने एक सेब बारीक बारीक काट लिया था, ठीक है, अब एक लेयर फ्रूट्स की लगा देंगे। एक लेयर हमने फ्रूट्स की लगाई है, अब हम इसके ऊपर ये रेड जेली डाल देंगे। ठीक है जी, पहले हमने एक लेयर कस्टर्ड की लगाई, फिर फ्रूट्स की एक लेयर, फिर उसके बाद रेड जेली की एक लेयर लगाई, उसके बाद देन हमने अगेन कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है। कस्टर्ड की लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा एक ग्रीन कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। ठीक है, इसको हम किनारों पे इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, इस पे हमने ग्रीन जेली की लेयर लगा लिया, हम इसके दरमियान में ये एक चॉकलेट बिस्किट रख दिया। ठीक है, अब हम दोबारा साइडों पे रेड जेली रख देंगे। ये लें जी, हमने इसको इस पे रेड जेली की क्लेयर लगा दिया। अभी इसमें थोड़ा सा इधर फ्रूट डाल देंगे दोबारा से। जी व्यूअर्स, हमारा ये यमी मज़ेदार कलरफुल सा फ्रूट ट्राइफल, कस्टर्ड ट्राइफल रेडी है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।